जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों की भारी डिमांड पे एक ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी लेके आ गया हूं जैसा आप लोग चाहते हो। टू साइड ओपन फ्लैट हो बिल्कुल आपके लिए लेके आ गया हूं, सिंगल यूनिट हो बिल्कुल लेके आया हूं, कार पार्किंग मिल जाए बिल्कुल लेके आया हूं, और साथ में LIC लोन हो जाए तो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी आप देख रहे हो। LIC लोन के साथ टू साइड ओपन वेंटिलेटेड फ्लैट, जैसा आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होंगी वही सेम लग्जरी टू साइड ओपन फ्लैट इंडिविजुअल। एक तरफ 25 फीट का रोड इस तरफ, एक साइड 25 फीट का रोड इस तरफ, बिल्डिंग के सामने 20 फीट का रोड और इसी बिल्डिंग के जस्ट जो पीछे की तरफ है वो 10 फीट का रोड। इस पूरी लाइन में 15 प्लॉट इस तरफ, 15 प्लॉट मेरे उस तरफ, मतलब 30 घर की सिर्फ ये सोसाइटी रहने वाली है। 25 फीट रोड उस तरफ, 25 फीट उस रोड उस तरफ, लिफ्ट नहीं है, लोन है, रजिस्ट्री है, कार पार्किंग आपको मिलेगी और बाइक पार्किंग भी आपको मिलेगी। दोनों के प्राइसिंग में 1 लाख का डिफरेंस रहेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक बार बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन देखो, फिर आपको पूरी प्रॉपर्टी का टूर कराते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, गर्मी का टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या पता आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कौन सी वीडियो पसंद आ जाए, क्या पता आपके सपनों का घर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। तो देखिए बिल्डिंग ऑफ फ्रंट एलिवेशन, फिर आपको इस प्रॉपर्टी का टूर करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन देखा हो, पार्किंग देखी होगी, और जैसा कि मैंने आपको बोला सिंगल यूनिट है तो यहां से हमारी आ जाती है एंट्रेंस, ये आ जाता है हमारा मेन डोर। प्रॉपर टू साइड ओपन वेंटिलेटेड फ्लैट मिलता है आपको। थोड़ा सा लिविंग की बात करते हैं पहले, एंट्री करते ही आपको मिलता है लिविंग रूम। लिविंग रूम की बात करूं तो हमें मिल जाता है ऐसे अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 फीट का ऐसे साइज मिल जाता है हमें, ऐसे मान लो 13 मान लो, और ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेटली 11 से 12, 13x12 का लिविंग रूम का साइज बहुत ही बढ़िया डिसेंट मिलता है। एल शेप में आपको सोफा लगाना है विद दो पपीज साइड में आ जाएंगे, सेंटर टेबल इस तरफ आ जाएगी, और इसके जस्ट एडजेसेंट मिलता है आपको टीवी पैनल स्टोरेज के साथ। यहाँ पे टू साइड ओपन फ्लैट है तो प्रॉपर वेंटिलेटेड तो रहेगा ही। एक बेडरूम हमारा इस तरफ बालकनी पे और एक हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका कॉमन गेस्ट वॉशरूम देखो एक बार इस तरफ। बिल्डिंग में हमारा काम चल रहा है अभी, सेकंड और थर्ड फ्लोर हमारे पास अभी अवेलेबल है। लिविंग रूम एक बार दोबारा से दिखाओ। लिविंग रूम में आपको एसी की इनबिल्ट फिटिंग्स मिल जाएगी, आपको टीवी पैनल देख लिया था। एक बार दिखाओ हमारी किचन, फुली वेंटिलेटेड आपको किचन मिलेगी। ये क्रोकरीज रखने के लिए आपको बास्केट्स मिल जाएंगी इस तरफ, मॉडलर किचन है। इस तरफ चिमनी आपको लगा के देंगे हम, इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो जैसा आप लोगों को चाहिए होता है कि फ्रंट साइड पे आपकी किचन है, वेंटिलेटेड किचन रहे, तो वही सेम चीज है। टाइलिंग्स का आपको प्रॉपर वर्क दिख रहा होगा, दोनों साइड पे प्रॉपर वर्क आपको किचन में करके दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी टैब वगैरह की फिटिंग के लिए स्पेस इस तरफ, आरओ का भी स्पेस आपको इसी तरफ मिल जाएगा। किचन की अगर साइज की बात करूं तो ऐसे आपको मिल जाते कम से कम 10 फीट की ऐसी किचन, 10x7 के आसपास की किचन रहने वाली है। लिविंग रूम बहुत ही स्पेशियस, वॉशरूम देख लिया होगा आपने, सैनिटरी फिटिंग सारी करा के आपको देंगे। दिखाता हूं आपको फर्स्ट बेडरूम जो कि रहेगा मास्टर बेडरूम। अब बेडरूम का साइज सुनना, 13x11 का ये बेडरूम का साइज मिलने वाला है। वार्डरोब आपको मिलती है वेंटिलेशन के लिए, इस तरफ पूरी विंडो आएगी आपकी। अभी इस तरफ हमने स्टडी टेबल बना रखी है बच्चे के पढ़ने के लिए स्पेशली, साथ में अटैच वॉशरूम मिलेगा, सैनिटरी फिटिंग्स करवा के देंगे। टाइलिंग्स का प्रॉपर वर्क है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। दोबारा से इस तरफ से घुमा के दिखाओ। अब आपको बेड कैसे लगाना है, बेड समझना कैसे लगाना है आपको। 6x6 का बेड आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे नहीं लगाना कोई बात नहीं छोड़ दो, इस तरफ आप कुछ भी रख लेना, साइड टेबल जो होती है वो साइड टेबल इस तरफ आ जाएगी। 6x6 का बेड ऐसे लगा लेना, जैसा मन करे वैसे आप लगाना, और एक ह्यूज वार्डरोब मिल जाएगी आपको इस तरफ।
ये लॉक है अभी, एक ह्यूज साइज में वार्डरोब मिल जाएगी इस तरफ, वेंटिलेशन के लिए विंडो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरफ आपको स्टडी टेबल, चाहे इस तरफ छोटा मोटा काम करना हो या कुछ भी बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। ये था इसका फर्स्ट बेडरूम, एसी की उसमें इनबिल्ट फिटिंग रहेगी, साथ में आपको इस बिल्डिंग के अंदर इंटरकॉम फैसिलिटी मिलेगी, लिफ्ट नहीं है, कार पार्किंग के अलग चार्जेस हैं, बाइक पार्किंग के अलग कॉस्ट है, दोनों के लिए आप कॉल कर सकते हो हमें। ये आ जाता है इसका सेकेंड बेडरूम। अगर मैं बेडरूम के साइज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 9 बाय, ऐसे की बात करूं तो 12-13 का अप्रोक्स का बेडरूम का साइज रहेगा, 9 बाय 12 या 13-12 मान लो आप छोड़ो, 9 बाय 12 का बेडरूम का साइज बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि वार्डरोब सेपरेट मिल जाती है, 6 बाय 6 का आपको बेड लगाना है, ऐसे 6 बाय 6 का बेड आपको ऐसे लगाना है आपको, या फिर आप 6 बाय 6 का बेड ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि 9 ऐसे आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, 6 बाय 6 का बेड ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, उसके बाद जो वार्डरोब हमने दे दिया है बिल्कुल सेपरेट इस तरफ, आपका स्पेस नहीं कवर कर रही, बालकनी की तरफ हमने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है ये, उसके बाद भी 6 बाय 6 का बेड लगने के बाद भी ये स्पेस आपका सफिशिएंट बचेगा। बालकनी देखो इस तरफ एक बार, आप बालकनी की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 फिट की आपको बालकनी मिलती है, 14 ऐसे और 3 ऐसे, 14 बाय 3 की रनिंग बालकनी, और गली देखो कितनी साफ सुथरी गली मिलने वाली है आपको, लिफ्ट नहीं है, लोन है, रजिस्ट्री है, कार पार्किंग है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, बार बार आपको बता रहा हूं, हम आपको सारी चीजें क्लियर करके चलते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जहां तक मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, इतनी वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी, इतने अच्छे रूम साइज, 12-13 के रूम साइज कहां मिल रहे, कहीं नहीं मिल रहे, लिविंग रूम का इतना अच्छा साइज। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्राइसिंग की बात करूं तो 28 और 29 लाख रुपए हमने इस फ्लैट की कॉस्टिंग रखी हुई है, 29 लाख रुपए विद कार पार्किंग, 28 लाख रुपए विद बाइक पार्किंग, इसमें रूफ वाला फ्लैट भी अभी हमारे पास अवेलेबल है, सेकंड और थर्ड फ्लोर दोनों हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो आइए विजिट कीजिए, सिंगल यूनिट है, कोई चिक चिक नहीं है कि भैया लिफ्ट के पैसे नहीं दे रहे, कोई दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, सारी एमिनिटीज मिलती है आपको, तो जल्दी आ जाओ, नीचे नंबर शो होगा, आप कॉल कर सकते हो। बाकी क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय माता।